वेलकम टू माई चैनल। अज फिर मैं लगी हाँ डिनर डिनर रोल्स बनाउन, तो ये आपको की चाहिए आ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दस देवगी किन्नी क्वांटिटी बेच मैं समान लिया आ। और सब तो पहला अपन मिल्क चाहिए आ रूम टैंपरेचर से, ये दो अंडे ऐड करने आ, थोड़ा जहा मिक्स करना है। और ये ले आया मैं मक्खन, मेल्ट कर लिया इन, ये पा देना आप। और इस दे नाल नाल आपने पा देना है खमीर। 10 मिनट हूँ इनू छड़ देना है, जब तक खमीर फुल ना जाए, मिल जाए 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए हैं तो हूँ मैं ये जो मिक्सचर मैदा लिया ये ऐड कर लेना, पहले नमक ऐड कर लें, मिक्स कर लेना इनू, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है यदा। डो लग के तैयार हो गया है डिनर रोल्स का, तो हूँ इन मैं कवर करके 1.5 घंटे लिए रख देना किसी गर्म जगह पर। ओके 1.5 घंटा हो गया है जी, मैं देखती हूँ हूँ आटा अपना किस सिचुएशन में है। साइज विच डबल हो गया है, आटा जो फुल गया सगा अपना, तो हूँ आपू गेड़े ला लेने हैं। पहले भी मैं अपनी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की, तुम देख सकते हैं सेम हो गई है, थोड़ा जहा चेंज किया है, जिदा पेड़े तो डबल साइज में लेना आप पेड़ा, तो बस करना कुछ नहीं है, जिदा आप पेड़े करते हैं घर में बस इस तरह करके। आप जी बेकिंग ट्रे वो रखी जाना है, ओके जी डिनर रोल्स जड़े आ मेरे तैयार हो गए हैं, टोटल 12 बने हैं, तो इन्हों कवर करके मैं 45 मिनट्स लिए किसी गर्म जगह पर रख देना है ढक के। 45 मिनट हो गए तो हूँ आप देखते हैं कि किदा देख हुए फुल गए हैं, देख सकते हो तुसी साइज विच डबल हो गया। तो हूँ ये उपर तुसी चाहे एग वॉश ला सकते हैं, चाहे तुसी मिल्क ला सकते हो, मैं मिल्क लाऊंगी उपर ब्रश के नाल, तो फिर इनू 180 डिग्री सैलसीयस के अवन विच रखना आ 15 से 20 मिनट, जब तक के ब्राउन ना हो जान जी। साढ़े जड़े डिनर रोल्स बहुत सोहने बन के रेडी हो रहे हैं, फुल रहे हैं। डिनर रोल्स या फिर पाओ वाले जिन्हों पाओ भाजी कहते बंस जड़े होंगे पाओ बन के रेडी हो गया, बहुत गर्म आ, बड़े सॉफ्ट बने हैं। तुसी भी अपने घर में बनाना और मेरे नाल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर तुम्हें वीडियो चंगी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना। और थैंक यू, तुसी सारे मेरी वीडियो वेखी, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो में।